जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस संगीतन चैनल पर। यह श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त रविवार को है। इस पुत्रदा एकादशी का महात्म्य पहले के चैनल में हमने पूरा विवरणी के साथ दिया हुआ है, किंतु संक्षिप्त कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। द्वापर युग में महेशपतिपुर में राजा महजीत बहुत ही धार्मिक राजा थे और वे अपनी प्रजा का पालन सभी शास्त्रोक्त नियमों के द्वारा किया करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था और इस बात की पीड़ा राजा के मन में भी थी और प्रजा के मन में भी थी। एक दिन राजा ने प्रजा से यह प्रश्न किया कि हर एक शास्त्र में बताए हुए नियमों के अनुसार मैं धन संग्रह और प्रजा का पालन कर रहा हूँ, किंतु पुत्र न होने का कष्ट हमें बराबर मन में बना रहता है। प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी और प्रजा ने निर्णय लिया कि हम लोग किसी ऋषि महर्षि के पास जाकर इसका निदान पूछेंगे। वे लोग जंगल में गए और वहाँ उन्हें लोमस ऋषि दिखाई दिए। लोमस ऋषि के बारे में वर्णन कर बहुत लंबा हो जाएगा। लोमस से प्रजा ने प्रार्थना की और लोमस ने एक घड़ी ध्यान लगाकर राजा के बारे में बताया कि कई जन्म पहले राजा वैश्य थे और एक तालाब में वे पानी पीने के लिए गए, किंतु उसी समय एक गाय अपने बछड़े सहित उस तालाब में आ गई और राजा ने उसे पानी नहीं पीने दिया बल्कि स्वयं पानी पिया। उसी पाप से उन्हें पुत्र नहीं हो रहा है और उन्होंने विधि भी यह बताई कि श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी को आप लोग व्रत करें और यह पुण्य राजा को अर्पित करें, उन्हें जरूर पुत्र होगा। सभी प्रजाजनों ने यही किया, व्रत रखा और पुण्य महाराज को अर्पित कर दिया और पुत्रदा एकादशी का यही महात्म्य है। इसे आप जरूर सुनिए और पुत्र के प्रगति हेतु पुत्र के लिए इस व्रत को करके भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन जरूर कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।